खाजा बनाने की विधि। एक कप मैदा में ये चुटकी भर नमक, पिघला हुआ मक्खन करीब 1.5 चम्मच मिला लेते हैं पहले हाथ से। इसके बाद अब ये सोडा और फिर थोड़ा सा पानी भी डालकर अच्छे से ऐसे मिलाकर हम इसे तैयार कर लेंगे। अब ऊपर से ये थोड़ा सा तेल भी इसमें ऐड करके दोबारा जो है मिला लेते हैं। अब जो है एक गर्म बर्तन में 1 कप चीनी, थोड़ा सा पानी भी डालकर एक बढ़िया चाशनी हमें तैयार करना है, बिल्कुल एक तार वाली चाशनी हो। अब इसमें इलायची पाउडर भी मिला लेते हैं और गूंदे हुए आटा को आधे घंटे के लिए रेस्टिंग पर छोड़ने के बाद इसे ऐसे मलते हैं और लंबा बिल्कुल ऐसे तैयार कर लेंगे। इसे अब चाकू से छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर सूखा आटा भी थोड़ा छिड़क कर बीच में उंगली से ऐसे दबा लेंगे। अब बेलन से ऐसे हल्का दबा कर गर्म तेल में हम डीप फ्राई करेंगे। बिल्कुल धीमी आंच पर ही डीप फ्राई करना है। इधर चाशनी भी बिल्कुल तैयार है, तो एक कटोरे में इसे निकाल कर ये जो तैयार खाजा है इसे हम इसमें डाल देंगे चाशनी में। करीब 4 घंटे के लिए चाशनी में ही इसे रखे रहें। तो बिल्कुल ये तैयार है, प्लेट में बस अब निकाल कर आराम से इसे आप खा सकते हैं।